चल रही है। ये वाला फ्रंट पे है, बिल्कुल देख सकते हैं जैसा। अभी और ज्यादा रखी जाएंगी, उधर बीच में भी रखी गई है, 1 2 3 4 5। अरे यार बहुत गंदगी है भाई, ये देखो क्या हुआ यार। आइए अब आ गए हैं, देखिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर इधर 4 के साइड, 4 तो बना नहीं है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे बनेगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, फेज 2 का वर्क दिखाएंगे। उससे पहले अभी हम खड़े हुए हैं मोहरा बाजार आरओबी के पास, जो कि इधर से ये आप पीछे भव्य प्रवेश द्वार देख सकते हैं, इधर से ये बनाया गया है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन जाने के लिए। जो पुराना मार्ग है उसका भी चौड़ीकरण हो, जिसका अपडेट हम आपको कल की डेट में देंगे। बट उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ अपडेट हुई, उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे आरओबी के ठीक वहाँ पे जो है अयोध्या नगरी का जो है सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है। अभी पास चलते हैं आपको दिखाते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर अपडेट हुई हैं, फ्लाईओवर के पिलर के पास जो है पत्थरों के द्वारा काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है। चलिए वहाँ पर पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे जो है ये सेल्फी पॉइंट बड़ा सा बना हुआ है, जिस पे अयोध्या नगरी लिखा हुआ है। बट इसमें दिक्कत ये है कि गाड़ियाँ अगर यहाँ पे खड़ी रहेंगी तो ये अयोध्या नगरी दिखेगा नहीं। देखिए किस टाइप का लिखा हुआ है, पीले कलर में, और वाइट लाइन जो है इसकी वाइट कलर की है। अगर गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो ये अयोध्या नगरी का जो है सेल्फी पॉइंट नहीं दिखेगा, बिल्कुल ही आरओबी के नीचे स्टेशन के ठीक पहले यहाँ पर मतलब बना हुआ है। और इस पॉइंट पे थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए पिलर के ठीक नीचे जो है ऐसा कुछ पत्थरों का बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेल्फी पॉइंट जैसा ही इस पॉइंट पे लगेगा। अब देखिए क्या चीज़ लगता है, उसको कभी नेक्स्ट अपडेट में वो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। और इधर ये देख सकते हैं भव्य प्रवेश द्वार अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन जाने के लिए, जो कि अभी हम चलते हैं यहाँ से जो है 200 मीटर की दूरी के बाद अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिसका कि फेज 2 का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। चलिए चलते हैं अभी। तो दोस्तों आ चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इस बार गंदगी इतनी ज़्यादा है और सुबह के जो है 8:30 बज रहे हैं। डेट एंड टाइम की हम बात करते हैं तो आज है दोस्तों 26 मई और रविवार का दिन है। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है, सब डस्टबिन वगैरह के बाहर देख सकते हैं। दिखाने का मन तो नहीं था बट मुझे देखने को मिला तो मुझे लगा थोड़ा सा आपको दिखाना चाहिए। देखिए यहाँ सब, ये देखिए क्या यार, जो मतलब यहाँ पे आते जाते हैं श्रद्धालु उनकी बहुत बड़ी गलती है। इधर तो काफ़ी ज़्यादा होगी गंदगी। अब चलते हैं, वैसे हम आपको फेज 2 दिखाते हैं, छोड़िए ये सब चीज़ें, क्या बताया यार, दिमाग ख़राब होता है बस देख कर, कितना समझाया जाए कितना क्या किया जाए। देखिए थोड़ा सा यहाँ भी देखिए, एकदम बिल्कुल फ्रंट पे। अब तो अंदर ऊपर नीचे कोने में तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई पड़ी होगी। चलिए अभी इधर से हम चलते हैं, इधर सब भी देख सकते हैं किस प्रकार से गंदगी है। और बाइक हमने यहाँ पे अपनी खड़ा कर दी है, और ये ईंट देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्यों रखा गया है, तो इसको बंदर ताकि सीट फाड़े ना, इस वजह से ईंट रख दिए हैं अपनी बाइक पे। आइए चलते हैं दोस्तों अब स्टेशन के अंदर। यहाँ क्रेन देख सकते हैं खड़ी हुई है, एक ये बड़ी वाली क्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है। इधर ही से निकलते हैं, अब देखते हैं फ्रेम्स कितनी मतलब लग चुकी हैं। अब तो इस बार 1 2 3 4 5 6 फ्रेम्स लग चुकी है, एकदम कोई ट्रेन इस समय नहीं खड़ी हुई है। फ्रेम्स आप देख सकते हैं क्या रखी गई है, 1 2 3 4 5 6 फ्रेम्स जो है रखी जा चुकी हैं। अभी और ज़्यादा रखी जाएंगी, उधर बीच में भी रखी गई है, 1 2 3 4 5 5 उधर उस साइड रखी और 6 यहाँ पे रख दी गई है। देखिए आप जैसा उधर के साइड बना हुआ है ऐसा इधर के साइड बनेगा पूरा एकदम।
बहुत ही भव्य आकार ले रहा है। बस यही है कि लोग साफ सफाई नहीं देख रहे हैं। आप देखिए खिड़की वगैरह खुली हुई है, थोड़ा सा वेंटिलेटर टाइप इधर से दिखाते हैं आपको, देखिए कैसा है। अंदर से तो भाई जबरदस्त है ही, अंदर से देखे हैं आपको फेस टू का वर्क पूरा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ तक लगाया गया है इसको, और इधर के साइड जो है पूरा यहाँ तक सटा दिया गया। ये पूरा जो है देखिए यहाँ तक लगेगा, इस पॉइंट तक छः लगे हुए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करीब जो है 15-16 लगेंगे। देखिए बिल्कुल जैसे वो बना हुआ है ऐसा ही इधर के साइड बिल्कुल बनेगा पूरा। आइए थोड़ा सा स्टेशन के अंदर का सीन आपको दिखाते हैं, यहीं से गेट नंबर 11 से ही। देखिए कैसा बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। अंदर तो भाई साफ सफाई, एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये चीज़ सही है, एकदम लिखा हुआ है श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर कमलों द्वारा ये चीज़ संपन्न हुई है। आइए स्टेशन का मॉडल आपको, ये देखिए फैन कितना बड़ा चल रहा है, हवा यहाँ तक आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं स्टेशन का मॉडल, वहाँ पर रखा हुआ है। इस पार से फ्रंट से एंट्री अंदर की ओर है। ये देखिए स्टेशन का मॉडल यहाँ पे है कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे ये वाला फ्रंट पे है, बिल्कुल देख सकते हैं कैसा बहुत ही भव्य मतलब ये बना हुआ है। इसमें तो कई प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं इसमें। और मुझे लग रहा है जैसा ये फ्रंट इस साइड की ओर बना हुआ है, उस साइड की ओर भी जब बन जाएगा तो उधर के साइड भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और यहाँ पे देखिए ये चेकिंग पॉइंट्स कितने सारे लगे गए हुए हैं, यहाँ पे सामान वगैरह सब कुछ बिल्कुल चेक करके अंदर की ओर मतलब लाना है, कई सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं बाहर, आपने अंदर का चीज़ देख लिया, क्या चीज़ कैसे है। हवा लग रही है यार, क्या गजब का फैन है ये। देखिए दोस्तों एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, इतने महान भाव लोग पड़े हुए हैं कि गुटखा खाकर यहाँ पे थूके हुए हैं, बिल्कुल एकदम ठीक फ्रंट पे जैसे ही निकली यहाँ पे, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं यार, समझ में नहीं आता है। आइए हम चलते हैं लिफ्ट से ऊपर से, ऊपर से उस पार की ओर का वर्क आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्या चीज़ कैसे अभी हुआ है मौके पे। CCTV वगैरह इतने सारे लगे हुए हैं, मगर तुरंत देख के जो है एक्शन लेना चाहिए। आइए लिफ्ट से चलेंगे, लिफ्ट का यूज़ करते हैं। ये देखिए कुछ लोग कितना अच्छा मतलब पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, इधर ही से पार करें, सारी चीज़ें इतनी अच्छी सुविधा बनाई गई कि इधर से होते हुए आप ऊपर से लिफ्ट से आइए, मगर नहीं मानते हैं। कुछ अभी हो जाए अनहोनी तो गलती प्रशासन की होगी। देखिए यहाँ पे वो मना कर रहे हैं तो भी लोग पार कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, क्या बताएं। अंकल को भी देखिए, क्या अंकल। आइए अब लिफ्ट से हम चलेंगे ऊपर के साइड। लिफ्ट में आ चुके हैं, हम चलते हैं ठीक ऊपर, एक फ्लोर के बाद। AC चलनी चाहिए अधिकतर जगह लिफ्ट में जो है, AC होती है। अबे बहुत तेज ऊपर जा रही है, बस दबा दिए हैं। मैं वो पंखा वाला में देख रहा था। अच्छा ये देखो इधर आ गए, चालू हो गया तो AC मैंने चालू कर दिया, लेकिन मैं पहुंच गया, मुझे बुरा लग रहा था, अभी नहीं पहुंचना था, पहले निकला ना तो पहले भर जाए। देखिए आ गए हैं, यहाँ का नज़ारा देखिए, अरे यार
बहुत गंदगी है भाई। ये देखो क्या हुआ यार, गजब खतरनाक गंदगी है यार। क्या बताया जाए यार, इतना जबरदस्त स्टेशन बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए इतना सोचा है और हम लोग जो है कदर ही नहीं कर पा रहे हैं। इधर से देखिए, आइए उस पॉइंट उधर की ओर चलते हैं। क्या बताया जाए यार, कोई ट्रेन आई इसी वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है। आइए उधर पहले आपको दिखा के लाते हैं। देखिए यहाँ पे अब यही सब चीज़ दिखाने पे लोगों को बुरा लगता है जो यहाँ पे काम करने वाले हैं कि कौन मतलब क्यों दिखाया जा रहा है। यहाँ से स्टेशन एक बार देखिए, गंदगी भैया नहीं कम हो पाएगी, ये लिख के ले लो, बहुत ज़्यादा गंदगी है। आइए अब इधर से थोड़ा उतरते हैं, नीचे चलते हैं, दिखाते हैं वर्क इधर का। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार ये गंदगी देखिए कितनी खतरनाक है। अब देखिए फ्रेम जो है ऊपर उठाने के लिए पूरा एकदम वर्क चल रहा है इस तरीके से, खतरनाक एकदम मशीन है यार। चलिए चलते हैं नीचे। तो कोई ट्रेन आ गई, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से लोग इधर से उधर पार कर रहे थे, मतलब समझ में आता लोगों में सेंस नाम की चीज़ नहीं है। कौन सी ट्रेन है, शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस। इस पॉइंट पे लग रहा है यहीं तक रहेगा, इधर के साइड उधर के साइड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। बेसिंग दिखाते हैं आपको, बेसिंग देखिए किस तरीके से पूरा एकदम चौक है। देखिए अबे यार साफ सफाई वाले नहीं आ सकते हैं क्या? आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर उस पार चलते हैं। अभी दिखाते हैं आपको पटरियां भी, देखिए जो है अपडेट हो रही है। नहीं नहीं पूरे जो है देखिए, ये बीच वाली जो है नई पटरी लगी हुई है बिल्कुल। आइए चलते हैं और आगे, हम आ चुके हैं इधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर और यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेन खड़ी हुई है जो कि अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3, यहाँ एक ट्रैक और रहेगा फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो कि बनना बाकी है। 4 तक तो आपने सुना ही था, 4 के बाद भी बनेगा उधर के साइड। अब इधर से कैसे निकला जाए, निकलने में भी समस्या है, देखते हैं इधर रास्ता है कि नहीं है बगल से। आओ रास्ता तो है, देखिए पूरा एकदम सामान बिखरा पड़ा है। आइए अब आ गए हैं, देखिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर इधर 4 के साइड, 4 तो बना नहीं है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे बनेगा। आइए पीछे के साइड निकलते हैं, देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल क्रेन्स के एकदम लगाया गया है कि कहीं इधर उधर भागे ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा ये मिट्टी वगैरह यहाँ से हटा दिया गया है और ये इधर के साइड जो है बहुत ही जल्दी जो है वर्क स्टार्ट होगा, जैसा आप उधर देख सकते हैं उस पॉइंट पे वहाँ पे वैसा इधर के साइड ये पूरा वर्क होगा। और इधर दूर तक सब जो है पूरे के पूरे फ्रेम रखी गई हैं, पूरा जो है उधर के कब्रिस्तान पड़ता है, इधर मणि पर्वत है उधर के साइड भी रखा गया है पूरा एकदम। इधर से जाएगा रास्ता जो निकल जाएगा वहाँ पे मणि पर्वत वाले पे विद्याकुंड के पास। देखिए अब यहाँ से स्टेशन बिल्कुल जैसा उधर के साइड डिज़ाइन बना हुआ है, जो 3D मैप अभी आपने देखा होगा, तो इधर के साइड भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। आप देखिए किस पॉइंट पे बनता है, आगे चल के बनता है कि यहाँ बनता है, कि प्लेटफॉर्म तो चौड़ा होना ही है। अभी मौके पे जो है फ्रेम यहाँ इधर के साइड रखी जा रही है, फिर इतना हिस्सा छोड़ के इधर के साइड रखी जा रही है,
अब देखिए, रखने दीजिए, देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ये पूरा ऐसे पैक हो जाएगा कि इतना हिस्सा इधर बनेगा, फिर बीच में बनेगा, क्या करते हैं। एक तो किसी के पास सही से सटीक जानकारी नहीं है, तो ऐसा है ये दोस्तों अभी मौके की स्थिति अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के फेज टू के वर्क की। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी और अपडेट्स के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।